मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपना लेमन वाटर ले लिया है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मिलते हैं ये मेरे मूंगफलियां ठाकुर जी से। दे पहले मम्मी से मिलो। मम्मी कल हमने वीडियो का टाइटल ये डाल दिया कि मम्मी कैमरे को देखती हंसने लग जाती है। पापा जी हेलो बोल दो। हेलो हमने टाइटल ही यही डाल दिया कि मम्मी कैमरे को देखते हंसने लग जाती है। अब गलत है या सही है, अब तो यही है। मैं अभी पापा को बोल रही थी, मैंने कहा ये ना रिया कभी भी आ जाएगी कैमरा के पास। अब कैमरा घूमेगा, अपने आप को तैयार रखो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सुबह उठते ही लेमन वाटर पिया, क्योंकि ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है आपके वेट लॉस के लिए। अब चाहो तो इसमें शहद डाल सकते हो, मैं शहद नहीं डालना पसंद करती हूँ। इसे डालना चाहिए क्योंकि शहद से मुझे लगता है कि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है, गर्मी हो जाती है, गर्म होता है शहद बहुत। तो आप जैसे भी लेना चाहो, और जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उसे भी शहद के लिए मना किया जाता है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मैं शुरू से ही ऐसे ही लेती हूँ, तब से मैंने जो अपना रूटीन शुरू कर दिया है। अब आप देख चुके हो काफ़ी टाइम हो गया मुझे मशीन लगानी पड़ेगी क्योंकि कल अमावस्या थी, इस वजह से नहीं धोए कपड़े। तो आज कर लेते हैं ये काम और बीच बीच में आपसे मैं मिलती रहूँगी। और क्या क्या मैं आज पूरे दिन में खाती हूँ या क्या क्या करती हूँ वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? बिस्किट खाने हैं? आपको कोई बिस्किट नहीं देता सुबह सुबह? चलो फिर चलो, ये मुझे पिछले 10 मिनट से यहाँ बैठ के बुला रहा है। चलो आ जा। इन्होंने उठना नहीं। और भोर उठो, आ जाओ, बिस्किट इतने दिए, आ जाओ। चलो क्या बन रहा है? मैं सीजनर बना रही हूँ। इसमें क्या क्या है? इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मैं वो नहीं लेके आई दूसरी वाली, लाल और पीली वाली शिमला मिर्च, और ये ब्रोकली है। ओके भैया, आपसे डाइट शुरू हो गई है कल से? आज से नहीं, हो गई है। और ये डाइट फूड चालू है, देख सकते हो आप सब। इसके अंदर हल्का सा नमक डालूंगी, पनीर डालूंगी और ब्लैक पेपर। चलो अभी हमें भी खाने को मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है, क्या करोगे आप खाके? अपना खाओ, रोटी पराठे सबको सीजनर मिलेंगे। अभी आप सबको भी मिलेंगे जो देख रहे हैं, मिलेंगे। कोई डाइट पे होगा उसे ही मिलेगा, बस जो डाइट पे नहीं है उसे कोई चीज लेने में। इसमें आप मतलब ब्रोकली जो होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो कि आपको ज़रूरी चाहिए जब आप डाइट फॉलो कर रहे हो कोई। तो बस इसे थोड़ी देर जो है भून लूँगी। हाँ जी, ये मेरा बन गया है सीजलर, और बस मैं ये खाऊंगी फिर उसके बाद। मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कपड़े धोने के बाद थोड़ी सी ठंड जो है वो चढ़ जाती है, तो अब मैं जो है वो वॉक पे आई हुई हूँ। आज तो मिस्टर भी आए हैं, आज के सीट के लेकर आई हूँ। पार्सल पकड़ाने थे तो सोचा साथ साथ पार्सल भी पकड़ा देंगे और वॉक भी हो जाएगी। तो अब वॉक करके घर पर जाती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करूँगी। यहाँ पर शोर बहुत है, आपको थोड़ी आवाज़ जो है वो कम आ रही होगी। तो चलिए घर जाके आपसे मिलती हूँ।
क्या हुआ? बढ़ा दिया। आओ फिर। क्या हो गया एल्विन? रिया को क्या हुआ? थक गई? चलो मम्मी इधर देख लो। उधर बनाना रिया की। तो आज मैं बहुत थक गई। कल आपको या एक दो दिन में आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्सरसाइजेस मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने लिए बनाया है सूजी का चीला, जिसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादातर सब्जियां ही हैं। ये रहा इसका बैटर, दो मैं खाऊंगी, एक में बहुत एक तो मेरा ही जरूर बनता है बीच में। तो ये मैंने बिल्कुल लेस ऑयल में, बिल्कुल हल्का एक बार लगाया था उसमें, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी है। हैवी तवे पे बना सकते हो या फिर नॉन स्टिक पे। ये हैवी है, इसमें वेजेज हैं, लॉट्स ऑफ वेजेज हैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और बीन्स, कुछ भी डाल सकते हो आप। और इसके ऊपर पनीर स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं पनीर जो है वो सुबह ले चुकी हूँ तो मैं अब नहीं लूँगी इसके साथ। मैंने इसे हरे धनिए के साथ, धनिए की चटनी जो कि थोड़ा सा मुँह अच्छा कर देती है, तो उस वो ली है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो पहले आप जो है इसे सूजी स्प्रेड करो, उसके ऊपर जो है वेजेस लगा दो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इसे थोड़ा सा बाद में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है। तो ये मैंने अपने अभी रात के डिनर के लिए बनाया है। तो मैंने आपको दिखाया था क्या लिया, तो बीच में मैंने नींबू पानी ले लिया, नट्स वगैरह ले लिए, तो अब ये खाऊंगी मैं। तो बनाकर आपको मिलती हूँ सर्व करके। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने कल रात को वीडियो का एंड नहीं किया था, तो अब मैं जा रही हूँ कोई काम, आपको भी दिखाती हूँ। ये चलते हैं, सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कल मैं कहीं गई थी, क्या काम गई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर कहूँगी। ये तो ये जो ड्रेसेस हैं होली के पर्पज से ड्रेसेस जो हैं वो रेडी हुई थी, तो मैं वो लेने गई थी, वो चेकिंग करने गई थी। तो ये वाइट कलर में, वाइट पर्पल में, ग्रीन में, तो ये ड्रेसेस जो हैं वो देखने गई थी मैं, ड्रेसेस लेने गई थी। इसकी वीडियोस जो हैं वो आपको जल्दी ही आने वाले टाइम में दिखाई देगी कि क्या क्या रेडी हुआ है, क्या स्पेशल ड्रेसेस रेडी हुए हैं, क्योंकि अब होली के लिए ड्रेसेस जो हैं वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत न्यू डिज़ाइन जो है वो आपके लिए अपलोड होंगे और बहुत ही जल्दी आपको ये वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा छोटा सा, और व्लॉग पसंद आए तो आने वाले टाइम में मैं एक्चुअली क्या है व्लॉगिंग भूल जाती हूँ बीच बीच में करना, क्योंकि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। तो कल भी भूल गई थी और आज भी बीच बीच में भूल जाती हूँ कि कुछ शूट करना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद बहुत अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो आपको मिला करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काम चलाइए। बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को प्रिपेयर रखूँ, पर लेकिन आदत नहीं है इसलिए भूल जाती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे से सुझाव जो है मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।